एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए, और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा, तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी, और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कंडम करें और नए वाहन खरीदें। एक विषय, ये जो हमारा पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती हैं उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे।